हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। तो हम लोगों ने अभी आईआईटी जैम की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आईआईटी जैम में अभी तक फिजिक्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटेल में। तो हम आपको बता दें कि फिजिक्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडाइनमिक्स के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड्स है, ईएमटी है, क्वांटम है, उन सबको भी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो आपको ये बता दें कि यहाँ पे डेली बेसिस पे कम से कम एक वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाएगी। तो अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ बने रहना चाहते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आईआईटी जैम हो, नेट हो, गेट हो, या कोई और एग्जाम हो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो बनी रहे। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आज स्टार्ट करेंगे आईआईटी जैम 2005 में जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एज गिवन फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी इज 5/2 R। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज सीपी और सीवी, then one could conclude that the molecules of the gas option A are definitely monatomic, option B are definitely rigid diatomic, option C are definitely non-rigid diatomic और option D can be monatomic or rigid diatomic। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको एक गैस की जो है स्पेसिफिक हीट दी गई है, जो कि दी गई है 5/2 R, ठीक है, और ये स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि ये सीपी है या सीवी। तो आपको बताना है कि क्या वो मोनाटोमिक हम उसको बोल सकते हैं क्लियरली, क्या हम उसको क्लियरली रिजिड डायटोमिक बोल सकते हैं, क्या हम उसको डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो नॉन रिजिड डायटोमिक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो मोनाटोमिक डायटोमिक दोनों है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, हम आंसर इसका देख लेते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट जो होती है आपकी, ठीक है, तो सीवी और सीपी दोनों होता है। तो सीवी जो आपका होता है वो होता है F/2 R। तो F यहां पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है और R यहां पे है आपका गैस कांस्टेंट, ठीक है। और जो आपका सीपी जो होता है वो होता है CV+R, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे F/2 R + R, तो ये निकल कर क्या आएगा, R बाहर निकाल लिया, F/2 + 1। अब मैं आपको बता दूं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है वो मोनोएटॉमिक के लिए आपकी होती है 3, और डायोएटॉमिक के लिए आपकी जो होती है वो होती है 5, और पोलोएटॉमिक जो एक से मतलब दो से ज्यादा जो है उसके लिए होगा 6, ये आपका है, ठीक है। तो हम यहां पे केवल मोनोएटॉमिक और डायोएटॉमिक की बात कर रहा है, तो ये हम देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि भाई उसने सीवी और सीपी दोनों की बात की, तो पहले हम मोनाटोमिक के लिए देख लेते हैं। तो सीवी हमारा निकल कर क्या आएगा, एफ की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो 3/2 R आएगा, और अगर मैं सीपी की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पे अगर मैं 5 रख देता हूं तो 5/2, ठीक है, +1, ठीक है। तो अगर इसको मैं सोल्व करूंगा सीपी को किसके लिए, मोनोटॉमिक के लिए, सीपी को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे 3 रखूंगा, 3/2 + 1 कितना हो गया, 5/2 R, ठीक है, ये आपका आ गया मोनोटॉमिक के लिए। अभी हम देख लेते हैं कि डायटोमिक के लिए क्या आएगा। तो अगर हम सीवी देखें तो सीवी ये रहा, मैं 5 यहां से उठाया, यहां पे रखा, तो सीवी मेरा आ गया 5/2 R, और अगर मैं सीपी देखूं तो सीपी में मैंने यहां से 5 उठा के यहां मुझे रखना पड़ेगा, तो 5/2 + 1 R, तो ये हो गया 7/2 R। तो यहां पे हमारा 5/2 R अगर हम देखें डायटोमिक के लिए आ रहा है सीवी के लिए, और 5/2 R मोनाटोमिक के लिए आ रहा है सीपी के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5/2 R तो भाई दोनों ही कंडीशंस में मिल सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि कैन बी मोनाटोमिक और रिजिड डायटोमिक। क्योंकि अगर हम मोनाटोमिक की बात करेंगे तो उस केस में सीपी जो होगा वो हमें मिलेगा 5/2 R, और अगर डायटोमिक की बात करेंगे तो उस केस में हमें सीवी मिलेगा 5/2 R, ठीक है।
चलिए जल्दी से हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर वुड बी, ठीक है। ऑप्शन ए है कि जीरो फॉर ऑल मटेरियल्स, बी फाइनाइट फॉर ऑल मटेरियल्स, सी जीरो फॉर सम एंड नॉन जीरो फॉर अदर मटेरियल्स, अनप्रिडिक्टेबल फॉर एनी मटेरियल। तो वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जो आपकी एंट्रोपी है, ठीक है, जो आपकी एंट्रोपी है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होगी, ठीक है। तो एंट्रोपी मैं आपको बता दूं, रैंडमनेस जो होती है वो आपकी एंट्रोपी होती है, ठीक है। तो वो बोल रहा है जीरो होगी क्या सभी मटेरियल्स के साथ, फाइनाइट होगी क्या सभी मटेरियल्स के साथ, कुछ के साथ जीरो होगी तो कुछ के साथ नॉन जीरो, क्या ऐसा होगा, और या फिर आप बता ही नहीं सकते हो कि किसी भी मटेरियल के लिए क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एंट्रोपी होता है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट जीरो होने पर, ठीक है, किसी भी सिस्टम के लिए वो के जीरो ही होता है। इफ सिस्टम विल अचीव एब्सोल्यूट जीरो देन इट इज परफेक्टली ऑर्डर्ड सिस्टम, देन एंट्रोपी विल बी जीरो, ठीक है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें ये बताना है कि कौन सा यहां पे इनकरेक्ट है, ये हमें यहां पे बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए हमें दिया गया है कि इनडिस्ट्रीब्यूटेबल पार्टिकल ओबे मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, ऑल पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल बोस गैस ऑक्यूपाई ए सिंगल एनर्जी स्टेट एट इक्वल टू जीरो, द इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल ओबे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स और पार्टिकल्स ओबे फर्मी ड्राक स्टैटिक्स, प्रोटॉन्स ओबे फर्मी ड्राक स्टैटिक्स। तो चलिए हम नीचे से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसने डी ऑप्शन में लिखा कि प्रोटॉन्स ओबे फर्मी ड्राक स्टैटिक्स, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो फर्मी ड्राक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि द इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स ओबे बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, ठीक है। तो ये भी एकदम करेक्ट जो ऑप्शन है, क्योंकि आपको बता दें कि जो आपका जो ये होता है स्पिन, अगर आपका इंटीजर में है, जीरो है, वन है, टू है, या कुछ भी है इंटीजर में आगे, तो वो सभी आपके बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। जैसे अगर आपको एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता दूं कि जो आपके फोटोन्स जो होते हैं वो आपके बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को ही फॉलो करेंगे। उसके बाद इससे पहले बोला था प्रोटॉन्स ओबे फर्मी ड्राक स्टैटिक्स, तो देखिए जो जितने भी हमारे प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, ये सभी के सभी हमारे जो है हाफ इंटीजर्स में होते हैं, ठीक है। इनका जो इंटीजर होता है वो पूरा नहीं होता, जैसे 1/2, 3/2 ऐसे चलता है। तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी के सभी फर्मी ड्राक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द ऑल पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल बोस गैस ऑक्यूपाई ए सिंगल एनर्जी स्टेट एट टी इक्वल टू जीरो, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ओबे मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इनडिस्टिंग्विशेबल क्या है। तो ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई तीन बॉल है, 1, 2, 3, तो अगर मान लीजिए आपको पता है कि इसका कलर ए बी सी, आपके पास तीन बॉल है, आपको पता है कि इसका कलर आपको रेड दिया गया है, इसका येलो दिया गया है, इसका ब्लू दिया गया है, तो मतलब आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कलर के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक एटम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या 8 इलेक्ट्रॉन है, या 15 इलेक्ट्रॉन है, तो आप वहां आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ठीक है। तो बात केवल इतनी सी है कि अगर आप जो दिया गया है, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिफाई हम उसको कर सके, तब तो वो हो गया डिस्टिंग्विशेबल। अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो इनडिस्टिंग्विशेबल हमारा पार्टिकल हो जाता है।
तो आपको बता दें कि जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान को फॉलो नहीं करते हैं, ये यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो ये हमारे तीन क्वेश्चंस थे जो कि आपके 2005 में यहाँ पे पूछे गए थे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अगर अब आने वाली वीडियोस में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो अगर आप आगे के क्वेश्चंस के साथ बने रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो।